हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई टाइप्स ऑफ थेल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल टिश्यूज या फिर फंगल टिश्यूज क्या हैं सबसे पहले तो हम इसी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कुछ जगह हम वर्ड यूज करते हैं फंजाई कुछ जगह हम यू वर्ड यूज़ करते हैं फंगस तो दोनों में क्या डिफरेंस है फंगस जो वर्ड है वो सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या सिंगुलर फंजाई को फंगस uh, को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी एक फंगस को जबकि फंजाई जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है यानी कि बहुत सारों को रिप्रेजेंट कर करने की जब बात आएगी तो हम फंजाई वर्ड का यूज़ करेंगे अब जनरली फंजाई होते क्या हैं तो ये जनरली ये जो वर्ड है फंगस ये ग्रीक वर्ड इस फंगोस से आया है जिसका मतलब होता है स्पंज टाइप में या फिर सॉफ्ट फ्लैसी स्पंज लाइक फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ मशरूम क्योंकि स्टार्टिंग में फंगस को सिर्फ एक स्टडी ऑफ मशरूम या मशरूम के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई ओनली मशरूम ही फंजाई है लेकिन उसके बाद में बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट जो भी क्लासेज हैं फंजाई की उनको डिस्कवर किया गया तो फंजाई बेसिकली क्या होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक यू ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर यू का मतलब है यू मतलब ट्रू और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस यानी कि इनमें भी ट्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एक क्लोरोफिलस होते हैं यानी कि खुद अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करें और वो भी एब्जॉप्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वाले हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि इनका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये हर जगह पाए जा सकते हैं सॉयल वाटर एंड एयर में और एसेक्सुअली या सेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होते हैं और फंगस की जो सेल वॉल है वो जनरली काइटीन की बनी होती है अगर हम ऊ माइकोटा क्लास को छोड़ दें क्योंकि उसमें ये सेलिलोज की बनी होती है अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई तो आपको क्या लिखना है बेसिकली आप लोग आपको पॉइंट आउट करना है कि फंजाई आर नॉन क्लोरोफिलस मीन्स दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे हैव एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर यूक्यूरोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स दे हैव ट्रू न्यूक्लियस इसके अलावा इनकी सेलवुल जो है वो काइटीन से मिलके बनी होती है और काइटीन जो है वो लीनियर पॉलीमर होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन का जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं ये सभी यूनिट्स बीटा वन फोर ग्लूकोसाइडिक बोंड के द्वारा इसके अलावा जो फंगस है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है या यूनिसेलुलर फॉर्म में भी देखो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको तीन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए हाइफी क्या है माइसीलियम क्या है और थेलस क्या होता है हाइफी क्या होती है एक लंबी सी ट्यूबुलर पतले धागे के समान एक फिलामेंटस और ब्रांच स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं हाइफी और बहुत सारे हाइफी को मिलाकर हम बोल देते हैं माइसीलियम यानी कि माइसीलियम होगा मास ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसीलियम और थेलस क्या होगा एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस जिसमें कि सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्ट्स भी आ जाएंगे माइसीलियम भी आ जाएगा हाइफी भी आ जाएगा कंप्लीट बॉडी या एंटायर बॉडी ऑफ द फंगस इज नॉन एज थेलस तो जो फंगस है वो फिलामेंटस हो सकती है यानी कि माइसीलियम टाइप की हो सकती है या फिर वो यूनीलुलर होगी यानी कि उसमें सिर्फ़ एक हाई हाइफा हम बोल सकते हैं या फिर ओनली वन सेल प्रेजेंट होगी जैसे कि ईस्ट या फिर हम सीधा ही बोलते हैं कि ईस्ट लाइक फंजाई इसका मतलब होगा कि ईस्ट लाइक फंजाई का मतलब सिर्फ़ एक सेल उसमें प्रेजेंट है या यूनिसेलुलर फॉर्म में फंजाई प्रेजेंट है इसके अलावा एक टर्म और आती है डाईमोर्फिक फंजाई जिसमें कि ऐसे फंजाई को कंसिडर किया जाता है जो कि दोनों फॉर्म में रह सकते हैं माइसीलियल फॉर्म में भी रहते हैं और यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रहते हैं वो डिपेंड करता है उनका सराउंडिंग टेम्परेचर कैसा है उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो किस टाइप के हैं तो ये आप जनरल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में एंड ये उसकी कुछ हिस्ट्री दी गई है आप इसे रीड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे थैलस क्या होता है तो जैसे हमने डेफिनेशन uh, डिस्कस की है एंटायर बॉडी ऑफ द फंगस को हम बोलते हैं थैलस और ये बहुत सारे टाइप की हो सकती है पर हम जनरली यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट टाइप के जो थैलस का टाइप्स uh, हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहला है होलोकार्पिक या फिर इसे ही यूनिसेलुलर थैलस बोला जाता है अब यूनिसेलुलर नाम से शो हो, हो रहा है कि इसमें सिर्फ एक सेल होगी तो इट इज सिंगल सेल थेलस विद ट्रू सेल वॉल सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सिंगल सेल जो होगी उस टाइप के थैलस को हम बोलेंगे होलोकार्पिक या यूनि सेलुरर अब एक सिर्फ एक सेल होगी तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही होगी तब भी वो सिंगल सेल ही वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी और जब रिप्रोडक्टिव फेज में जो फंगस है वो आएगी तो भी वो वेजिटेटिव सेल है वही उसी के द्वारा रिप्रोडक्शन किया जाएगा एसेक्सुअल स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा तो हम बोल सकते हैं होलोकार्पिक टाइप के थैलस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान पूरा जो थैलस है वो रिप्रोडक्टिव फेज में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है यानी कि इन दिस केस द होल थैलस इज कन्वर्टेड इन टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फेज इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो फेजेज़ हैं वो एक साथ अकर्स नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो माइसीलियल जो है क्योंकि इसमें तो माइसीलियम प्रेजेंट ही नहीं है ये यूनीसेलुलर है पर फिर भी जो सेल है वो एक तरफ तो वेजिटेटिव ग्रो कर रही हो और एक तरफ से रिप्रोडक्टिव फेज भी कंप्लीट कर रही हो तो इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सिंगल सेल है वही दोनों टाइप की फेजेज़ में पार्टिसिपेट कर रही है तो दोनों फेजेज एक साथ नहीं हो सकती सेम थेलस पे ये नॉन माइसीलियल टाइप की थेलस होती है फॉर एग्जाम्पल है इसके ईस्ट और सिंकाइट्रियम। सेकेंड टाइप का जो थेलस आता है वो आता है यू कार्पिक थेलस जिसे हम फिलामेंटस थेलस के नाम से भी जानते हैं यानी कि इसमें मोर देन वन सेल होगी इन दिस ओनली अ पोर्शन ऑफ बिकम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बाकी सारी जो सेल्स हैं वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती रहेंगी और सिर्फ थेलस का एक पोर्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन के वर्क करेगा इसका मतलब ये हुआ कि यूकर्पिक टाइप की थेलस में वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो एक साथ हो सकती हैं इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये माइसीलियल टाइप की फंगस है माइसीलियल टाइप के थे, थेलस होगा और इसे हम फिलामेंटस थेलस के नाम से भी नाम दे देते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंगस के टिश्यूज़ का मॉडिफिकेशन या फंगल हाइफा मॉडिफिकेशन भी हम इसे बोल सकते हैं जनरली जो फंगस के टिश्यूज़ होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्लेक्टेनोकाइमा यानी कि फंगल टिश्यूज़ आर नोन एज प्लेक्टेनोकाइमा अब ये जो प्लेक्टेनोकाइमा है इनका मॉडिफिकेशन होता है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फंगल टिश्यूज़ का मॉडिफिकेशन क्या है तो फंगल टिश्यूज़ दो टाइप से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर जो माइसीलियल टिश्यूज़ हैं वो पैरेलल अरेंज हुए और लूजली अटैच हुए एक दूसरे से तो हम उसको बोलते हैं प्रोजनकाइमा टाइप का मोडिफिकेशन माइसीलियल टिश्यूज आर इन पैरेलल टू ईच अदर एंड लूजली एग्रीगेटेड एंड शूडो पेरनकाइमा हम तब बोलते हैं जब ये जो पूरे फंगल टिश्यूज़ हैं ये क्लोजली एग्रीगेटेड होंगे और एक दूसरे के पैरल नहीं होंगे तो फंगल टिश्यूज़ को हम बोलते हैं प्लेक्टेनो कायमा और फंगल टिश्यूज़ का मॉडिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है मेनली प्रोजन कायमा शूडो पैरनकाइमा प्रोजन कायमा में ये पैरेलली अरेंज होंगे और लूजली एग्रीगेट होंगे आपस में और शूडो पैरन काइमा में ये क्लोजली एग्रीगेट होंगे इसके अलावा एक टर्म आती है राइजोमॉर्फ राइजोमोर्फ एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि जनरली फूड और जो न्यूट्रिशंस है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है इसका एग्जाम्पल है आर्मी मेलिया जिसे हम हनी मशरूम के नाम से भी जानते हैं